अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉयड योर ईद हॉलीडेज। नाउ कम बैक टू योर स्टडीज। टुडे इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ कंप्यूटर। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। डू यू नो व्हाट आर नेचुरल थिंग्स? नेचुरल थिंग्स आर दोज थिंग्स विच आर मेड बाई अल्लाह, फॉर एग्जाम्पल अर्थ, स्काई, मून, सन एट्सेट्रा। And what are man-made things? Man-made things are those things which are made by human beings. For example, TV, fridge, washing machine, computer, etc. Do you know what is computer? As I told you, computer is a machine. Computer has four parts: monitor, keyboard, CPU and mouse. इसके बारे में मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर यूज़ करने के एटिकेट्स क्या होते हैं, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हम लोगों ने डर्टी हैंड से कंप्यूटर को यूज़ नहीं करना और ना ही उसकी वायर्स को टच करना है, ठीक है। फिर नाउ यू नो जो हम लोगों ने पढ़ा था मैन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स के बारे में, ठीक है। नेचुरल थिंग्स वो जो अल्लाह ने बनाई है और मैन मेड थिंग्स जो इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं, ठीक है। फिर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज ए बी सी ये हम कर चुके हैं। अब आ जाए एक्सरसाइज ई की तरफ। Join the dots and color the picture. यहाँ पर आपके पास dots given है, यहाँ इसको आप लोग join करें और computer draw करें, ठीक है। फिर इसको color कर लें। अब exercise F की तरफ आ जाएँ, fill in the missing letters. यहाँ पर कुछ letters आपके पास given है और कुछ missing है। सामने pictures को देखें, किसकी picture बनी हुई है number one पे? Computer. तो यहाँ पर आपने number one में C पहले लिखा हुआ है, फिर जो इसके आगे missing letter है वो है O, फिर है M, P आपके पास गिवन है, P के बाद क्या आता है U, फिर T गिवन है, फिर है E और R कंप्यूटर, ठीक है। नंबर टू पे देखें किसकी पिक्चर बनी हुई है, मशीन, दिस इज मशीन। तो पहले इसका पहला अल्फाबेट, पहला लेटर गिवन है M, M के बाद क्या आता है A, A के बाद C लिखा हुआ है, फिर है H, H के बाद I गिवन है, I के बाद आता है N और E पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद किसकी पिक्चर बनी हुई है, मून। नंबर थ्री पे देख लें, एम पहले से लिखा हुआ है, उसके बाद ओ, फिर एक और ओ, एम डबल ओ एन मून। फिर नंबर फोर पे किसकी पिक्चर बनी हुई है, मोबाइल, मोबाइल का एम पहले लेटर मौजूद है, इसके बाद लिख लें ओ, फिर बी लेटर मौजूद है, फिर लिख लें आई, आई के बाद एल लिखा हुआ है, फिर लिख लें ई, एम ओ बी आई एल ई। नंबर फाइव पे क्या बना हुआ है, फ्रूट, फ्रूट का एफ गिवन है, इसके बाद लिख लें आर, यू पहले से लिखा हुआ है, फिर लिख लें आई और टी पहले से लिखा हुआ है, फ्रूट। ये आप अपनी बुक पर नीट हैंडराइटिंग में पेंसिल की मदद से करें। नाउ कम टू पेज नंबर 12। लुक एट द एक्सरसाइज जी। Look at the picture and write N for natural things, M for man-made things. आपके पास pictures given हैं, जो कुदरत की बनी हुई अशिया हैं उस पर हम लोगों ने क्या लिखना है, N, और जो man-made है यानी कि इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं उस पर हम लोगों ने क्या लिखना है, M. ये छोटा ब्लॉक गिवन है, हमने यहाँ पर लिखना है। अगर हम नंबर फर्स्ट पिक्चर पे देखें तो ये क्या बना हुआ है, हाउस की पिक्चर है, ठीक है। हाउस जो है इंसान की बनी हुई चीज़ है, मैन मेड थिंग है, तो इसके नीचे जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है इसमें हम लोग लिख लेंगे कैपिटल M, ठीक है। उसके बाद सेकंड पिक्चर देखिए, मोबाइल, मोबाइल किसने की बनाई हुई चीज़ है, इंसान की बनाई हुई चीज़ है, इट इज़ मेड बाय ह्यूमन बीइंग, सो इस ब्लॉक में M लिख लें, ठीक है। इसके बाद है कंप्यूटर, कंप्यूटर किसकी बनाई हुई चीज़ है, इंसान की बनाई हुई चीज़ है, तो इस ब्लॉक में क्या आएगा, M, M फॉर मैन मेड थिंग। अब लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर, ये किसकी पिक्चर बनी हुई है, पहाड़ों की है, ठीक है, दरिया है, ठीक है, ये कुदरत की बनाई हुई चीज़ है, इट इज़ मेड बाय नेचुरल, इट इज़ नेचुरल थिंग, तो आप लोग बॉक्स में लिख लें एंड। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर, ये क्या है, ये कैट की पिक्चर है, बिल्ली, तो ये क्या है, नेचुरल थिंग है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़। फिर इसके बाद क्या बना हुआ है, ये है रेडियो, रेडियो किसकी बनाई हुई है, मैन मेड थिंग है, तो इसमें आप एम लिख लें, ठीक है। इसके बाद है एसी, एसी किसने बनाया है, ये इट इज़ मेड बाय, इट इज़ मैन मेड थिंग, इट इज़ मेड बाय ह्यूमन बीइंग, तो आप लोग बॉक्स में लिख दें एम। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर, सन, सूरज की पिक्चर है, ये क्या है, ये नेचुरल थिंग है,
तो इस बॉक्स में आप एन लिख लें। फिर उसके बाद किसकी पिक्चर बनी हुई है? ट्री की। ट्री क्या है? नेचुरल थिंग है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आप एक बार अच्छे से रीडिंग कर लें और अपनी तमाम एक्सरसाइज अपनी बुक पर कंप्लीट कर लें, ठीक है? टेक केयर, थैंक यू सो मच।